अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लखनऊ से हिमांशु मिश्रा का सबसे पहले रुख करते हुए। हिमांशु, ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अमूमन ये देखा जाता है कि कहीं भी किसी भी राज्य में या फिर किसी सटे हुए सीमावर्ती देश में उसका असर दिल्ली तक पहुंचता है। कौन कौन से वो इलाके हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो 2 बजे सो रहे थे जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और सीसीटीवी उसके लिए एक अहम कड़ी साबित हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भूकंप का झटका महसूस किया गया वो यमुना के इलाके थे। जैसे आप सिर्फ दिल्ली नहीं, अगर एनसीआर की बात करेंगे तो नोएडा, इंदिरापुरम, इन सारे इलाकों में जो गाजियाबाद के इलाके हैं, यहाँ पर भी भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए। और पूर्वी दिल्ली का इलाका जो है वो पूरा, और नॉर्थ दिल्ली का, इन सभी इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। चूंकि रात के 2 बज रहे थे, ज्यादातर लोग सो चुके थे, कुछ ही लोग थे जिनकी, कुछ लोगों की तो नींद भी खुल गई थी भूकंप के झटकों की वजह से, तो एक तरीके का डर का माहौल बन गया था। लेकिन गनीमत ये रही, जो हमारी जानकारी मिली है, लगातार नजर रखी हुई है प्रशासन, लगातार हर एक स्टेट में, हर एक, चूंकि 7 स्टेट इंडिया के अगर हम बात करें तो वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोशिश की गई हर किसी से जल्द संपर्क बनाने की रातों रात, और जो जानकारी निकल के आई कि हिंदुस्तान में किसी तरीके का कोई भी नुकसान कहीं पर रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये गनीमत की बात रही। हालांकि झटके तेज महसूस किए गए, और जो हमने एक्सपर्ट से बात की नेहा, उनका ये कहना था कि चूंकि डेप्थ 10 किलोमीटर से अंदर थी, नेपाल भले ही एपिक सेंटर था लेकिन डेप्थ 10 किलोमीटर से अंदर था, जो जब डेप्थ ज्यादा होता है तो उसका इंपैक्ट दूर तक देखने को मिलता है। हालांकि नुकसान भले ही कम हो लेकिन महसूस दूर तक ऐसे भूकंप को किया जाता है। तो यही वजह रहा कि भूकंप भले ही नेपाल में आया लेकिन मध्य प्रदेश तक के कुछ इलाकों में इसे महसूस किया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ के लोगों ने कहां तक इसको महसूस किया और कहां कहां पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ? क्योंकि कई बार होता है कि पेड़ गिर जाते हैं क्योंकि तीव्रता उस तरीके से वहां पर होती है, या फिर किसी तरह की क्षति लखनऊ में। देखिए बिल्कुल नेहा, भूकंप के झटके जो कि नेपाल से आए वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महसूस किए गए और लखनऊ की भी ये स्थिति थी। मैं इस वक्त लोहिया पार्क में हूँ, गोमती नगर का इलाका, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसको अच्छे से महसूस किया था देर रात 2 बजे। क्या नाम है आपका? जी निखार भाटिया। बताइए किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था रात में जब भूकंप का समय आया? जी हम गहरी नींद में सो रहे थे, एकदम से जो है झटके फील हुए। मुझे लगा मेरी वाइफ जो मेरे बगल में थी कि इनको कोई नाइटमेयर आ रहे हैं, बुरा सपना आ रहा है, तो मैं एकदम नींद से उठा, इनको मैंने सहलानी कोशिश की कि भैया नहीं काम डाउन हो जाओ, लेकिन फिर लगा नहीं ये तो ठीक है, तो दिमाग में आया कि नहीं यहाँ कुछ भूकंप के झटके होंगे, पर नींद इतनी ज्यादा थी कि फिर वापस सो गए। फिर महसूस किया आपने 10 सेकंड 15 सेकंड? 5-10 सेकंड तो महसूस किया, और फिर दूसरी बार महसूस किया, लेकिन वो नींद में ऐसा लग रहा है जैसे सपना आ रहा हो कि अर्थक्वेक है और कुछ इस टाइप का। आप कह रहे आपने पहले भी भूकंप को एक्सपीरियंस किया है, भुज का एक्सपीरियंस आपका है, ये एक्सपीरियंस कैसा, उस समय कुछ महसूस कर पा रहे थे? नहीं, कल रात को तो नहीं महसूस हुआ, सो रहे थे, बहुत हल्का था इसलिए नहीं पता चला। हाँ, भुज वाला मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है क्योंकि मैं सूरत में रही हुई हूँ, तो हाँ फ्लैट में रहते थे तो 5th फ्लोर पे बहुत अच्छे से महसूस किए थे तब के झटके। तो मन में क्या थोड़ा सा सोच के जी उस टाइम पे डर आ गया था। फिर हम जब मेरी शादी लखनऊ में हुई तो हम फ्लैट में ही रहते थे, पर आसपास के लोग भी बाहर निकले, थोड़े से अवेयरनेस थी उस समय किस तरीके की स्थिति थी? ऐसा तो आइडिया नहीं, हम लोग बाहर नहीं निकले थे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। सुना आपने ये इनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लेकिन लखनऊ के कई इलाकों में, गोमती नगर, आलमबाग, जानकीपुरम, पुराने लखनऊ में भी इसको महसूस किया गया। चूंकि देर रात का समय था, जो लोग जगे हुए थे उन्हें इसको अच्छे से महसूस किया है। लगभग 15 से 20 सेकंड इसकी स्थिति थी। आंकड़ों की अगर नजर डालें तो गनीमत है कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जान माल की हानि नहीं है, ना कि इस तरीके की कोई रिपोर्ट सरकार की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से फिलहाल आई है। हाँ, ये जरूर है कि एहतियात के तौर पर पुराने लखनऊ समेत अलग अलग जिलों के उन इलाकों में जरूर अब गश्त दी जा रही है जहां पर 100 साल से ज्यादा या उससे के आसपास के पुराने मकान हैं, क्योंकि वहां पर जो क्रैक्स आए हैं या ऐसी स्थिति है जहां कहीं दीवार ढहने की स्थिति हो, तो वहां पर एक मेजर लिया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है। उठाए जा रहे हैं। आशीष भी हमारे साथ लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए कई बार भूकंप आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जाते हैं जिसकी वजह से ये एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं, और पुराना लखनऊ खास तौर पर जहां पर हमें अभिषेक बता रहे हैं कि कई सारी पुरानी इमारतें हैं, क्या वहां पर लोग सचेत हैं? देखिए, जिस तरीके से देर रात जब ये भूकंप आया था 2 बजे के आसपास, तो
पुराने लखनऊ में, चूंकि वहां पे बहुत सारी जर्जर बिल्डिंगें हैं और ये क्योंकि पुराना लखनऊ इलाका जो माना जाता है वो बहुत काफी ओल्ड है, तो ऐसे में वो सभी लोग बाहर निकल के घरों से आ गए थे और उनका डर इतना ज्यादा उनके अंदर था कि कहीं ये जो जो भूकंप आया है, जो उसकी तीव्रता थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो घबरा कर अपने अपने जो फैमिली है, अपने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे 1-1 साल के, 2-2 साल के, उनको लेकर वो बाहर आ गए देर रात 2 बजे के बाद। यानी कि और जहां पर मैं रहता हूँ यानी कि महानगर और अलीगंज एरिया से लेकर भी लोग जो कॉलोनी में थे वो सब बाहर निकल कर आ गए और बार बार यही पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतना तेज भूकंप आया है, आगे क्या होगा, क्योंकि सभी के मन में काफी डर था। वो ये जानते थे कि अगर वो बाहर नहीं निकले तो हो सकता है कि मकान क्रैक हो जाए या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसकी तीव्रता थी वो शुरुआत के 10 सेकंड तक तो इतनी तेज रहा कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इतनी तेज भूकंप आ गया। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग थे जो कॉलोनी के वो घरों के अंदर ही नहीं गए, वो अपनी कारों के अंदर देर रात तक बैठे रहे, अपने परिवार के साथ दुबक के बैठे रहे और यही वही बस प्रभु से मनाते रहे, ईश्वर से, कि जल्दी से ये फिनिश हो या खत्म हो तब हम अंदर जाएं। हालांकि उसके डर के बावजूद भी वो लोग अंदर नहीं जा सके, सुबह तक वो बाहर ही बैठे रहे और सुबह का इंतजार करते रहे कि जैसे ही सुबह होगी उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन डर का माहौल इस तरीके से था कि लोगों ने अपने घरों को छोड़ के सीधे अपने बच्चों को उठाकर और भाग भाग कर आ गए बाहर। तो ऐसे में कुछ लोग पार्क में मौजूद थे, चूंकि बिल्डिंगें ऐसी जर्जर थी तो वहां के लोग तो पहले से ही आके सड़कों पर खड़े हो गए थे और ये बात करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, अपने सगे संबंधियों को फोन कर रहे थे कि क्या आपके यहाँ भी भूकंप आया है, क्योंकि वो सभी घबराए हुए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो हम महसूस कर रहे हैं तो वो भी वही महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से डर का माहौल था और पूरी रात लोगों ने सड़कों पर गुजारी है, पार्कों में गुजारी है, कारों के अंदर गुजारी है। तो ऐसे में ये हालात काफी ज्यादा भयावह थे और लोगों के लिए बड़ा ये मुश्किल हो गया था कि देर रात जिस तरीके से भूकंप आया था उनके लिए बहुत एक्सपीरियंस बुरा था। और ऐसे में वो लगातार लोगों से उम्मीद कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, अपने सगे संबंधियों से बात कर रहे थे, उनकी कुशलता की बात पूछ रहे थे कि वो कुशल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें लखनऊ में ही देखने को मिली है, क्योंकि लखनऊ जबकि नेपाल से काफी दूर है उत्तर प्रदेश, उसके बावजूद भी आप समझ सकती है कि उसकी तीव्रता ज्यादा थी कि लोग घर में नहीं रख सके और इसके बावजूद ठीक है बाहर मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, हमारे सहयोगी दिल्ली से तमाम जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, दिल्ली में कौन कौन सी वो जगह जहां पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए समझा गया कि हाँ इतना तीव्रता वाला भूकंप आया था, क्योंकि कई बार अमूमन जब लोग सो रहे होते हैं तो महसूस नहीं कर पाते हैं लेकिन चीजें कैमरे में कैप्चर हो जाती है। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ नेहा। हिमांशु, मैं पूछ रही थी कि क्या दिल्ली में भी कुछ जी ऐसी इमारतें हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर कपन महसूस की गई, क्योंकि 2 बजे एक ऐसा वक्त जब कई सारे लोग सो रहे थे वो महसूस नहीं कर पाए लेकिन सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। जी देखिए बिल्कुल, जो खास तौर से जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, जो पटपड़गंज का इलाका है जहां पर हाई राइज सोसाइटी है, इसके अलावा जैसे ही आप उस इलाके को क्रॉस करते हैं, गाजियाबाद में आप एंटर करते हैं तो इंदिरापुरम का जो इलाका है वहां भी कई सारी हाई राइजेस सोसाइटी है, वहां पर इवेल्युएट किया जा रहा है, वहां पर सीसीटीवी चेक किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों ने भूकंप को महसूस किया है। मैं खुद इंदिरापुरम में रहता हूं नेहा, और मैंने खुद भूकंप रात में महसूस किया और ये स्थिति कई लोगों की है। जो लोग सो गए थे उनमें से कुछ लोगों की नींद भी खुली है, जो जिन लोगों ने भूकंप को महसूस किया है तो वहां पर इवेल्युएट किया जा रहा है, वहां का प्रशासन लगातार जो कुछ भी हुआ उनको समझने की कोशिश कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज रात के निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझा जा सके कि जो तीव्रता थी वो कितनी तीव्रता वहां पर थी, किस तरीके से, क्या किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, इन सारी चीजों को समझने के लिए प्रशासन लगातार अपनी ओर से कोशिशें कर रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि रात में सोए हुए लोगों जब नींद से जगे तो उनके अंदर एक अचानक से जब कोई भूकंप के वजह से अगर नींद से जगता तो उसके अंदर एक घबराहट सी आ जाती है।